नमस्कार, न्यूज नंबर पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं नीतू गौरकिला। देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के साथ साथ दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही है और उसका असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनके परिजन अस्पतालों में कोविड से जूझ रहे हैं। राजधानी दिल्ली भी उससे अछूती नहीं है। इन सब के बीच पुलिस अभियान चलाकर उन लोगों पर शिकंजा कस रही है जो इंसानियत के दुश्मन बन बैठे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। पुलिस इसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ अब सोशल मीडिया पोस्ट और इसके साथ ही अलग अलग तरीके से कालाबाजारी करने वालों पर निगाह भी रख रही है ताकि समाज के इन दुश्मनों को कानून की गिरफ्त तक लाया जा सके। पुलिस ने हाल ही में छापा मारकर और भेष बदलकर संदिग्ध लोगों को गोदाम पर भेजा था और उन्हें पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की और कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी और महत्वपूर्ण दवाओं के व्याप्त होने के बाद से इसकी प्रणाली काम नहीं कर रही है। दिल्ली को ड्रग्स की भारी कमी के कारण मारा गया है और इसके साथ ही रेमडेसिविर जो दवाई है वो और इसके साथ ही और भी दवाई है। एक कमी जो होर्डर्स और काले बाजारियों द्वारा की गई है और कालाबाजारी करने वाले उन्हें खुदरा मूल्य से 10 से 15 गुना ज्यादा दरों पर बेच रहे हैं। उत्तरी दिल्ली में एक डीलर ने ग्राहक को 25,000 रुपए में रेमडेसिविर जो दवा है वो बेचने के लिए पेश किया और उसके साथ ही उसका जो मूल्य था वो 3,000 रुपए था। कर्मचारियों की गतिविधियों की निगरानी करना शुरू कर दिया गया ताकि ये देखा जा सके कि ऑक्सीजन और दवाएं काला बाजार तक कैसे पहुंच रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में ही ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही हो, बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में इस तरह का गोरखधंधा चल रहा है। अफसोस होता है ये सब देखकर और समझ नहीं आता, जब महामारी इस कदर फैली है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ऐसे में इंसान मदद करने के बजाय अपनी चांदी बटोरने में लगा है। वाकई इंसानियत खत्म हो रही है। पटना एसकेपुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी इलाके में भी कुछ दिनों पहले पुलिस ने छापेमारी की थी। यहां किराए के एक मकान में चल रहे न्यूज पोर्टल के दफ्तर से ऑक्सीजन के 60 सिलेंडर जब्त किए गए। मौके पर रितेश शर्मा नामक शख्स को हिरासत में लिया गया था। मौके पर मौजूद एक खरीदार ने बताया कि 5 लीटर का सिलेंडर 10,000 रुपए में बिक रहा है। बताया जा रहा है कि सारे सिलेंडर महाराष्ट्र से मंगवाए गए थे और उन्हें ब्लैक में बेचने की तैयारी थी। रितेश न्यूज पोर्टल मैरी पोर्टर के तौर पर कार्यरत था और उसका मुख्य काम ग्राहकों का इंतजाम करना था। दफ्तर पूर्ण रूप से किराए पर चल रहा था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित जानकीपुरम इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके पास से 115 ऑक्सीजन सिलेंडर और एक वैन बरामद हुई। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने बताया कि जानकीपुरी इलाके की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे थे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर मरीज को तेज बुखार के साथ खांसी और सांस लेने की दिक्कतें होती हैं। ऐसे में मरीज का ऑक्सीजन का स्तर भी काफी तेजी से कम होने लगता है। उस वक्त मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन दी जाती है। लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या के चलते हर अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इन हालात में ऑक्सीजन सिलेंडर को जमा करके रखना या उसकी कालाबाजारी करना पूरी तरीके से गैरकानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई इलाकों में जो सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है। लोग पैसे कमाने में जुटे हुए हैं। उन्हें लोगों की जान से ऐसा लग रहा है कि कोई लेना देना नहीं है। इस महामारी से निपटने के लिए हर आम इंसान आगे आ रहा है, जितनी वो मदद कर सकता है उतनी मदद कर रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए newsnumber.com।